भोपाल के अशोका गार्डन थाने में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जोरदार टकराव हुआ। कांग्रेस पार्टी ने नर्सिंग कॉलेज घोटाला मामले में मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने का रुख किया, जबकि बीजेपी समर्थकों ने वहां सुंदरकांड का आयोजन किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमन सिंघार, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, सांसद दिग्विजय सिंह और अन्य प्रमुख कांग्रेस नेता और विधायकों ने मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए अशोका गार्डन थाना पहुंचे। कांग्रेस का आरोप है कि नर्सिंग कॉलेज घोटाले में मंत्री विश्वास सारंग की भूमिका है। थाना परिसर में विश्वास सारंग के समर्थक महिलाओं ने जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की। बीजेपी समर्थकों ने कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगाए और वहां सुंदरकांड का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाया कि बीजेपी को थाना परिसर में सुंदरकांड करने की अनुमति किसने दी। कांग्रेस नेताओं ने थाना परिसर में यह ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह, विधायक आरिफ मसूद, विधायक आतिफ अकील, विभा पटेल और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा शामिल थे। थाना परिसर में नारेबाजी करती महिलाएं और बीजेपी समर्थकों की कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे की आवाजें गूंज रही थी। ये मध्य प्रदेश में लोकतंत्र है। व्यापम के काले कांड के बाद लगातार बच्चों के भविष्य को का गला रोंदा जा रहा है। नर्सिंग का इतना बड़ा घोटाला बीजेपी के सरकार में उनके मंत्री यहाँ के विधायक विश्वास सारंग के नेतृत्व में हुआ, जिसका कि एफआईआर हम कराने के लिए आए, तो पुलिस प्रशासन बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। अरे नर्सिंग के 4 लाख बच्चियां जिनका गला घोट दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसकी लड़ाई नहीं लड़े कि यहाँ पर एक भी एग्जाम बिना घपले और घोटाले की नहीं होती है। जैसा मैंने कहा, व्यापम का सबसे बड़ी अभियुक्त सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, सर्वविदित हुआ। उसके बाद जिस तरीके से नर्सिंग का घोटाला किया, नियम बदले गए, तथ्य और तर्क है, मंत्री था उस समय, उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए। नर्सिंग में सीबीआई के अधिकारी रिश्वत लेते पकड़े गए, उस समय के सभी अधिकारी, कुलपति, रजिस्ट्रार, सबको जांच के दायरे में लेना चाहिए और गिरफ्तारी हो, यह कांग्रेस पार्टी की मांग है। हमारा मानना है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी खुद ये पुलिस अराजकता फैलाना चाहती है, उसका उदाहरण है ये। अरे किसने रोका है कि किसी की आस्था को पे काम नहीं करो, और हमारे साथ अब यहाँ क्यों, ये सवाल है। वो बात कांग्रेस के कुछ मुख्य नेता जैसे दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, इन लोगों ने आकर अपने कार्यकर्ताओं के संग यहाँ पे आकर एक आवेदन दिया है, जिसमें पूर्व मंत्री विश्वास सारंग जी के खिलाफ, जो उस टाइम पे तत्कालीन चिकित्सा मंत्री थे विश्वास सारंग जी, उनके खिलाफ नर्सिंग के संबंधित में कुछ घोटालों के संबंध में उन्होंने कुछ शिकायत दर्ज की है, जिसको वर्तमान में जांच में ले लिया गया है और इस पर आगे जांच करके जो निष्कर्ष निकलेगा।
ये बीजेपी के जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कार्यकर्ता, ये क्या मांग कर रहे हैं? अशोका गार्डन थाना के अंदर ही हंगामा कर रहे हैं ये। अपने दूसरे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता आए थे तो उनके खिलाफ जो उनके जो अन्य आरोप थे उनके संबंध में, नहीं तो अंदर थाने के अंदर इनको अनुमति दी गई थी क्या इस तरह हंगामा करने के लिए? अनुमति जो अनुमति दी गई थी, जो बाहर लोग हैं वो अलग हैं, यहाँ पे सुंदरकांड के लिए अलग से एक अनुमति दी गई थी किसी एक कोई, ये जो मंदिर बना हुआ है जन सहयोग से बना हुआ है, तो बाहर किसी का जन्मदिन के अवसर, पहले भी सुंदरकांड हुआ है तो अभी किसी के जन्मदिन के अवसर पर उसको अनुमति दे दी गई। ये तो सुंदरकांड पाठ के अलावा हंगामा कर रहे हैं तो ये पहले भी अनुमति दी गई है तो उसी संबंध में दी गई है, तो बाद में ये चीजें अलग अलग वहाँ पे अन्य कार्यकर्ता भी उधर से आए फिर ये थोड़ा सा। आवेदन उन्होंने दिया है नरसिंह जो पूर्व उस टाइम पे तत्कालीन मंत्री विश्वास सारंग जी थे उनके खिलाफ में, कि नरसिंह में जो कुछ घोटाले के संबंध में उन्होंने आरोप लगाए हैं, तो जिसको जांच में ले लिया गया है, रिसीविंग दे दी गई है और वो हो गया। अनुमति ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनको दी गई थी, कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता थे सिर्फ उन्हीं को दी गई थी, इनको अनुमति नहीं दी गई थी। एफआईआर करेंगे क्या इनके खिलाफ? जांच में जो भी निष्कर्ष निकलेगा उस हिसाब से कार्रवाई होगी। सर सर सर